एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। वैसे तो आज इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, ज़मीन से लेकर आसमान तक इसका विस्तार है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ नया देख रहे हैं तो IIT दिल्ली में शुरू हो रहा नया कोर्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ के सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी यानी CART ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस MTech कोर्स के लिए छात्र इसी एकेडमिक सेशन से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि दुनिया भर में तेजी से उभर रहे इलेक्ट्रिक ऑटो इंडस्ट्री में भविष्य के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। एक तरफ दिन ब दिन बढ़ता प्रदूषण और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए पिछले कई सालों से कहा जाने लगा है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक कारों यानी ग्रीन कारों का है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आज ये ई व्हीकल्स पर्यावरण संरक्षण की जरूरत बनते जा रहे हैं, और तेजी से उभरते इस नए उद्योग में इंजीनियरिंग से जुड़े कई क्षेत्रों में एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। CART के इस कोर्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। MTech कोर्स करिकुलम हमने ऐसे डेवलप किया जो कि इंडस्ट्री वालों के लिए सुइटेबल है, सो इसलिए हम 20 स्टूडेंट हम लेंगे जो कि BTech के बाद आएंगे, और 10 जो स्पॉन्सर्ड होके आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्री से। सो जो कोर्स करिकुला हमने बनाया ईवी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्स करिकुलम बनाया जो कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, सो जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन सब बच्चे सीख पाएंगे। सो जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो देखेंगे उसमें जो मेजर कंपोनेंट है, सो ये स्टार्ट होता है चार्जर, बैटरी, देन कन्वर्टर, देन आपका पावर ट्रेन, ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो अगर बात करें कि इस कोर्स में दाखिले के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो 2 साल के इस MTech प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या इंजीनियरिंग में से किसी भी विधा डिसिप्लिन में 4 साल की बैचलर्स डिग्री और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन तथा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किसी भी एक डिसिप्लिन में गेट पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न उद्योगों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी इस पाठ्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी MTech कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन, ड्राइव ट्रेन, चार्जर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स की दोबारा उपयोगिता, विश्वसनीयता, ऑटोमोटिव हेल्थ मॉनिटरिंग, ऑटोमोटिव NVH, व्हीकल डायनामिक्स, ऑटोनॉमस और इलेक्ट्रिक वाहनों के मटेरियल से जुड़ी पढ़ाई के साथ साथ लेबोरेटरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये है ये नया प्रोग्राम का लक्ष्य। दिस इज ए फर्स्ट प्रोग्राम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में MTech डिग्री देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन कर रहे हैं, सो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करें। सो नाउ जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करें, सो मैन पावर डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट है। सो साइमल्टेनियसली हमको मैन पावर डेवलपमेंट करना है। सो यहाँ से जो बच्चा एक्सपीरियंस लेके निकलेगा, सो ही विल बी एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो एक्सपर्ट होने के बाद उसका डेफिनेटली आई एम श्योर इंडस्ट्री में उनका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ सवाल आना लाजमी है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि आज बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियाँ इको फ्रेंडली और बेहतर एवरेज देने वाले वाहनों का निर्माण कर रही हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बाजार में उतार रही हैं, और धीरे धीरे इनकी मांग और बढ़ेगी। जाहिर है इससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, और 2 साल के इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विकसित विशेषज्ञता के आधार पर कैंडिडेट इलेक्ट्रिक व्हीकल OEMS, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, BMS इंडस्ट्री, ई मोटर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर इंडस्ट्री और EV चार्जर्स इंडस्ट्री सहित
इस क्षेत्र से जुड़े अन्य उद्योगों में नौकरी पा सकते हैं। तो अगर आप अपने और अपने पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है।